तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं GTA लिबर्टी सिटी। गाइस, लास्ट टाइम विंसेंट ने मेरे को बोला था कि हमारे जो अंडर में काम करने वाले बंदे हैं उनको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और अभी इनको बचाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो फिर मैं वहां पर गया और ये काम मेरे को काफी ज्यादा आसान लग रहा था, लेकिन जब वहां पर मैं गया तो मेरे को पता चला ये काम काफी ज्यादा हार्ड है। लास्ट में जैसे तैसे करके उन बंदों को मैंने बचा लिया। और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद अभी शायद से मेरे को वापस से जाना पड़ेगा दोबारा से विंसी के पास और जाके उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे टट्टू ना बिल्कुल ना पाले। अभी देखते हैं आज के इस गेम प्ले में क्या होने वाला है, बट हाँ, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है गेम प्ले। तो गेम प्ले को एंड तक जरूर से देखना और बाय चांस इसके पिछले दो पार्ट नहीं देखे तो फटाफट जाओ और देखो यार, काफी ज्यादा मस्त है। और अभी हम सबसे पहले जाने वाले हैं विंसेज के पास और यहाँ पर दो ऑप्शन है, जे है और वी। जे का मतलब है जेडी, मतलब जेडी हमारा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास मेरे को जाना है। बट अभी नहीं, वो मिशन हमें बाद में करना है, लेकिन सबसे पहले जो ये मामला है उसको पूरा निपटा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे को एक बैट मिल गया यार, और मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी खासी एक गन होनी चाहिए हमारे पास। पिस्टल से कुछ भी नहीं होगा भाई, घंटा भी नहीं। और पिछली बार मैं गया जरूर था, लेकिन वहाँ पर स्टॉक ही नहीं था भाई, सिर्फ पिस्टल थी, उसको मैंने लिया और फिर मिशन को कंप्लीट किया। अभी फटाफट मेरे को गाड़ी दे, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं, मेरे को एक पर्सनल कार मिली जरूर थी, बट यार उसको मैं रख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई भी कार टिकती नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं विंसेंजो के पास और वहाँ पर जाके देखते हैं कि मामला क्या है। फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं, शांति है, बट वो हमें कोई ना कोई तो मिशन दे ही देगा। मैं विंसेंजो के पास जाऊँगा जरूर, लेकिन उससे पहले ना मेरे को एक गन लेनी चाहिए। वैसे गन शॉप पास में है तो फटाफट जाते हैं और एक अच्छी खासी गन ले लेते हैं। लेकिन यार मेरी गाड़ी पलटी हो जाती है, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, मेरे को भाग के ही जाना पड़ेगा क्योंकि पास में ये ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से कोई तगड़ी गन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तो भाई इस पिस्टल के अंदर में ना ज़्यादातर तो मिशन फेल ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन गन शॉप है कहाँ पर? ओके ओके, ये रे मैंने पहले देखा तो मेरे को याद है यार। अरे भाई, आउट ऑफ स्टॉक मत बताना कोई भी गन, पहले बता रहा हूँ मैं। तेरी भैंस की टंग, जब भी मैं इसके पास आता हूँ आउट ऑफ स्टॉक क्यों होती है भाई? एक ही गन रखता है क्या तू पागल है क्या पूरा का पूरा? अभी बंदा क्या करे यार, लेट्स गो। अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, शायद विंसेज जो मेरे को दे दे एक अच्छी सी गन, उसे मांगनी तो पड़ेगी। वैसे कब से इसके लिए काम कर रहा हूँ। ओ वेट, स्कूटर ही लेना पड़ेगा शायद से, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके अंकल सॉरी भाई, यार ये स्कूटर ना कितना स्लो चल रहा है, मेरे को ना कार ही लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा चलता रहा ना तो भाई दो रात दो दिन यहीं पर गुजर जाएंगे। मैं पहुँच चुका हूँ विंसी के पास और अभी ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगला मिशन कौन सा होने वाला है, पर जो भी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। अभी इसके घटिया ऑफिस में मैं आ तो चुका हूँ और मैं इसको घटिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये इंसान भी बहुत ज़्यादा घटिया है। एक सेकेंड, ये ऐसे रिएक्शन क्यों कर रहा है? लो ये पागल है क्या? ओ भाई साहब, ये क्या कर रहा था यार, मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में यार, कितना गंदा आदमी है ये। वेट भाई साहब, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा घटिया इंसान है ये। अभी गाइस ना, इसने मजाक मजाक में मेरे से ये बोला है कि भाई तेरे को भी एक लड़की चाहिए, एक लड़की को किस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, ऐसा कुछ बोला है। लेकिन टोनी ने उसको क्या बोल दिया, ये मजाक की बात थी, लेकिन उसने एक सीरियस बात कही है मेरे को। एक गाड़ी है मतलब पागल लड़कियों से भरी हुई और उसको मेरे को लेके आना है। बट पहले तो टोनी नहीं माना था, लेकिन उसने कहा मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पर कोई नजर रखे हुए है और इसको ये पता नहीं कौन। अभी वहाँ पर जाते हैं, जो भी इसकी कार है वो लेके आते हैं। और भाई साहब पागल लड़कियों से भरी हुई, मैं समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये क्या धंधा करता है मेरे को देखना पड़ेगा, शायद से लड़कियों का बिजनेस करता हूँ। वैसे मेरे को इस विंसी की ना हरकतें बहुत ज़्यादा अलग ही, लेकिन मतलब एंटिक पीस है यार, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसा इंसान है, क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरा पूरा जानना पड़ेगा तभी जाके मैं विश्वास कर सकता हूँ, वरना ये मेरे को भी फंसा सकता है कभी भी, दूसरी बार मेरे साथ कोई गंदी हरकत ना करते। एक सेकेंड, ये कार इसकी, बट इसके अंदर कोई भी लड़की नहीं है, ये क्या भाई? और ये झूठ क्यों बोला है वैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब भी देखता हूँ कोई ना कोई तो छोटा मोटा झूठ बोल ही देता है। वेट भाई साहब, इसने मेरे को फिर से फंसा दिया, ये देखो ये बहुत बड़ा धोखा है भाई, फिर से धोखा। एक बार तो समझ में आया चलो ठीक है लियोनी की वजह से मैं मान गया था, बट दूसरी बार इसने मेरे को फंसाने की कोशिश की। अभी मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, इस गाड़ी को पेंट कराना पड़ेगा, तभी जाके पुलिस मेरा पीछे छोड़ेगी, नहीं तो भाई मेरी पेंट बच जाएगी क्योंकि पहले से ही पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है पिछले पार्ट से ही, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था उनको बचाने के लिए। और अभी भाई साहब पुलिस मेरे को नहीं छोड़ेगी, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है विंसी मेरे को फंसाना चाहता है, लेकिन क्यों यार, मैंने क्या किया है उसके लिए? मैंने उसको धोखा नहीं दिया, एक बार भी उसने दो बार धोखा दिया फिर भी मैंने सह लिया, लेकिन अभी नहीं भाई, अभी हाथ धो गई है, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसको पूरा ख़त्म करके ही मानूंगा।
सब मेरे को ये भी नहीं पता ये बंदा क्यों करना चाहते हैं, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। की हद हो गई भाई, मेरे को फटाफट जाना है पेंट करवाने, लेकिन यार ये कहाँ पर है? पुलिस वैसे मेरा ऊपर से पीछा भी नहीं छोड़ रही है। वेट 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 वेट, ओके मेरे को रास्ता याद है, मैं पहुँचने वाले, लेकिन यार ये पुलिस गाड़ी फोड़ देगी उससे पहले पहले, और इसने अपनी गाड़ी का कचरा करवा दिया, मेरे को ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। ओके ओके, इधर से जाना है। गाड़ी की हालत देखो यार, गाड़ी की हालत तो देखो एक बार की, मैं कहाँ से घूम घूम के जा रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। तो सिर्फ पुलिस से एक बार की बचना है बस, एक बार की पुलिस से बच गया ना फिर काम ख़त्म विंसी का। अभी विंसी मेरे हाथों से तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता, जो करना है कर ले, बहुत सहन कर ले इसको। अभी हमारी गाड़ी चकाचक हो चुकी है, मेरी गाड़ी तो ऑलरेडी मेरी हो ही चुकी है यार, वैसे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंसी तू तो गया भाई, अच्छी खासी गन लेनी पड़ेगी, वैसे मेरे पास गन तो है पिस्टल और एक बैट भी, बैट से मारूंगा उसको, शायद इसको मैं मार सकता हूँ या नहीं, मेरे पास ऑप्शन है या नहीं है, मैं कोई भी अभी कुछ भी नहीं कर सकता भाई, मैं क्या करूँ, लेकिन इसको मारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये तो सोच लिया कि उसके पास ना दोबारा मेरे को जाना नहीं है, अगर उसके पास वापस से गया ना मतलब थू है मेरे ऊपर। ओके इस गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और कॉल करते हैं विंसी को, पूछना पड़ेगा ना भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे हटना भाई, पहले से दिमाग ख़राब है। ओके hey, Tony, how's the car? उसने पहले फोन कर दिया, मैं करने वाला था, ठीक है। गुस्सा मेरे पे उल्टा क्यों कर रहा है भाई? ये पागल है क्या? अभी मैंने इसको ये पूछा कि भाई तूने मेरे को फंसाने की कोशिश क्यों की, तो ये ऊपर से बोल रहा है कि जब से तुम इस शहर में आए हो तो मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, तुम्हें रहने के लिए घर दिया, नौकरी दी, बस अब जो पुरानी बातें बीत चुकी है उनको सुना रहा है, और ये सब भी उसने खुद ने नहीं किया भाई, लियोनी के कहने पर किया है, क्योंकि लियोनी इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, उसको राइट हैंड इसीलिए तो बनाया है उसने। अभी मेरे को फटाफट जाना है और इसकी जो कार है उसको क्रैश करना है बस, उसकी कार की पूरी बैंड बजा दूंगा मैं। वेट, अभी हम पहुँचने वाले हैं। भाई साहब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे से करवाना क्या चाहता है, मेरे साथ बदला लेने की कोशिश क्यों करा है? मैंने कुछ तो इसका शायद बिगाड़ा होगा बट मेरे को पता नहीं है, बट जो भी होगा आगे आगे पता चल ही जाएगा। इस कार को यहाँ पर खड़ी करो और फटाफट से इस कार का कचरा कर दो बस, लेट्स गो। ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को यार। ओके इसकी कार जा रही है ऊपर, धीरे धीरे उसको कॉल करूँगा मैं। विंसी तेरी तो बैंड बजाऊँगा मैं, तू जा थोड़ा सा सब्र कर ले, तेरी गाड़ी तो गई अभी तू भी जाएगा, मेरे से पंगा लेके ना बहुत बड़ी गलती की है इसने। इसका फोन, ओ इसकी माँ का फ़ोन क्यों आया भाई? भाई साहब इसकी माँ इसको बहुत ज़्यादा डांट रही है, ये अपनी माँ से मिले नहीं गया और कभी जाता भी नहीं, इसलिए शायद ज़्यादा गुस्सा हो गई वो। लेट्स गो, अभी जाते हैं इसकी मॉम के पास, वहाँ पर जाके बातचीत करते हैं, इसकी माँ को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अभी सी ऑप्शन आ गया और एक जे ऑप्शन है, जे तो जे डी का है बट सी वाला ना शायद से इसके होम का है। जल्दी जल्दी मेरे को जाना पड़ेगा इसकी मॉम के पास क्योंकि इसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा है यार। एक सेकेंड, इसकी मॉम तो यहीं पर पास ही में रहती है, ये एरिया तो पास में ही मेरे घर के, मैं ऐसा सोच रहा था कि इसकी मोम ना इसके गांव में रहती है लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो फाइनली अपनी मोम से मिलने के बाद, कई इसकी मोम ने इसको बहुत ज़्यादा डांटा तो है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि भाई जियोवनी नाम का एक बंदा है, जियोवनी कासा उसका पूरा नाम है, उससे कुछ सीखना चाहिए। बट यार ये सुन के ना इसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि शायद इसको पता है कि जियोवनी कैसा बंदा है। बट टोनी ने बोला वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये मानने को इसकी मोम तैयार ही नहीं है। टोनी ने एक तगड़ा प्लान बनाया और उस प्लान में ये करने वाला है, कैमरा लेगा और जो जियोवनी है उसकी जो गंदी हरकतें वो कैप्चर करने वाला है और फिर उसकी फ़ोटो ना अपनी मोम को दिखाने वाला है, तब जाके इसकी मोम शायद से मान जाएगी। फाइनली हम पहुँच चुके अपने घर के पास, फटाफट से यहाँ से कैमरा लेते हैं, फिर उस आदमी को ढूंढते हैं। उसकी माँ ने ये तो बताया कि भाई उसकी एक होटल है सॉसेज बेचता है और वहाँ पर जाके ये शायद से मिल जाएगा या नहीं मिला तो उसको ढूंढ के ना तब मानने वाला हो ना भाई। ये रहा हमारा कैमरा, इसको फटाफट से उठाओ, लेट्स गो अभी निकलते हैं। वो कहाँ पर रहता है ये भी मेरे को पता लगाना पड़ेगा ना। अभी ये कार तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो मेरे को नहीं लगता कि इसको ले जाना चाहिए। अभी एक नई तगड़ी कार पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। एक सेकंड रुचा यार, ओके ये वाली अच्छी है, उतर जाओ भाई, सॉरी तुझे उतरना पड़ेगा, मेरे को अपना काम करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओ वापस क्यों कॉल, मेरे साथ बैठ गया, चलो ठीक है बैठ जा यार। वेट 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 वेट, जियो वनी अभी मैं आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने के लिए, क्योंकि तेरी वजह से ना इसकी मम ने इसको बहुत ज़्यादा डांटा है भाई।
मिनट वेट, इतना ट्रैफिक क्यों है यार? यहाँ पर कहीं पर होटल तो नहीं दिख रही है शायद से, काफ़ी नहीं यार यहीं पर है पास में। ओके फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इसकी होटल के पास, अभी देखते हैं कि जियो वनी है कौन। वेट, यही है क्या? देखने में तो सादा सीधा आदमी लग रहा है भाई, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है ये टोनी जानता है। तभी तो टोनी ने अपनी माँ को कहा है ये अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। थोड़ी सी भी इसको भनक लग गई हमारा जो प्लान है पूरा चौपट हो जाएगा। स्लोली ये गाड़ी यहीं यहीं पर क्यों घुमा रहे, इसको पता चलेगा क्या? वेट भाई साहब, इसको पता नहीं चलना चाहिए यार, अपना जो भी प्लान है वो ख़राब हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये देखो यहीं यहीं पर घूम रहे, पागल है क्या भाई, बुद्धि भ्रष्ट है इसकी। लो एक सेकेंड, इसने गाड़ी रोकी। मेरे को लगा था कुछ तो गड़बड़ है भाई, टोनी ने कह दिया मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। इसने एक बंदी को बैठा है और पता नहीं इसको कहीं पर तो लेके जा रहा है, मतलब ये टोनी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच बात है, ये कुछ तो गलत काम करता है भाई। अगर इसकी पिक मिल जाए ना तो फिर इसको माँ को मनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा और फिर टोनी को जगह देगी अपने घर में, मतलब घुसने देगी यार। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आपको पता ही है कि इसकी मोम ऑलरेडी कितना गुस्सा है। लेकिन ये बंदा इसको कहाँ पर लेके जा रहा है? विंसी की हरकत देख ली, अभी इसकी हरकत भी देख ही लेते हैं। वेट, इसको पता ना चले। वेट यार, मैं ज़्यादा पास में जा रहा हूँ, थोड़ा सा और पीछे। एक सेकेंड, रॉन्ग टर्न लिया इसने, अभी पकड़ा गया तू। रॉन्ग टर्न लिया मतलब इसका किस्सा ख़त्म। वो कहाँ पर गया? ओके ये जा रहा है। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी ये क्या करने वाला है? I'm gonna change into something that's a little Wait. more me. ये मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं करने वाला ना भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना। Oh my. ये क्या है भाई? Come on, girls, get with ये तो सनकी आदमी लग रहा है पूरा का पूरा। ये देखो लड़कियों के पीछे भाग रहा है यार, क्या मतलब इसकी खोपड़ी फोड़ दूँ मैं, शायद ऐसा ही करना पड़ेगा अभी। एक सेकेंड, वो भाग रहा, जूम करो थोड़ा सा। एक सेकेंड, एक अच्छी खासी पिक दे दे यार मेरे को बस। आजा, तेरा फोटो लेने के लिए तैयार हूँ मैं। अरे भाई साहब ये उधर ही घूम रहा है, मेरे को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ओके अभी सही है, अभी तू तो गया बेटे, अभी आ गया। इसका फोटो, ओके, ये आ गया, ये भी आ गया। फाइनली तीन फोटो मैंने ले लिए, तो गाइस फाइनली मैंने जियोवनी की फोटो तो ले ली है, बस अभी मेरे को जाना है इसकी मोम के पास। जो भी मैंने पिक लिए वो सब इसकी मोम को दिए, तब जाके इसकी मोम शायद से विश्वास करने लगे। तो आज का गेम प्ले अगर आपको पसंद है तो बदल से वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो इस चैनल पर। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के अंदर, तक के लिए गुड बाय।